21वीं सदी में भी बेटियों को वह सम्मान नहीं मिला जो उन्हें मिलना चाहिए। लेकिन भारत में एक ऐसा समाज भी है जहां बेटी होने पर खूब खुशियां मनाई जाती है। इस समाज में बेटियां ही घर चलाती है। मालूम हो कि भारत एक पुरुष प्रधान देश है और यहां पर प्राचीन काल से शादी के बाद दुल्हनों की विदाई की प्रथा चली आ रही है। मगर आपको जानकर ये हैरानी होगी कि भारत में ही ये समाज महिला प्रधान है। सिर्फ यही नहीं, यहाँ पर शादी होने के बाद दुल्हन दूल्हे के घर नहीं जाती है, बल्कि दूल्हा दुल्हन के घर पर आकर रहता है। यह प्रथा मेघालय की खासी जनजाति में चली आ रही है। इस जनजाति में घर परिवार के सदस्यों का भार पुरुषों की जगह महिलाओं के कंधों पर होता है। आप यह जानकर भले ही हैरान हो रहे होंगे, लेकिन यह सच है। यह भारत के बाकी समाज से बिल्कुल उलट है। बाजार और दुकानों पर भी महिलाएं ही काम करती है। बच्चों को उपनाम भी माँ के नाम पर दिया जाता है। माँ के बाद परिवार की संपत्ति यहाँ बेटियों के नाम की जाती है। परिवार की सबसे छोटी बेटी पर सबसे अधिक जिम्मेदारी होती है। उसे माता पिता और भाई बहनों और संपत्ति की देखभाल भी करनी पड़ती है। वही घर की संपत्ति की मालकिन भी होती है। खास बात यह है कि यहाँ बेटी होने पर खूब खुशियाँ मनाई जाती है। लड़का और लड़की को विवाह के लिए अपना जीवन साथी चुनने की पूरी आज़ादी दी जाती है। इस समुदाय की खास बात यह है कि खासी समुदाय में किसी भी प्रकार के दहेज की व्यवस्था नहीं है। इस समुदाय के लोग दहेज प्रथा के सख्त खिलाफ हैं। यह भारत के बाकी समाज से बिल्कुल उलट है। दिलचस्प बात यह है कि बीते कुछ साल से यहाँ के पुरुषों ने इसे बदलने को लेकर आवाज़ उठानी शुरू कर दी है। उनका कहना है कि वे बराबरी चाहते हैं।